भी घूमने कुछ नहीं, शादी का टाइम हम भी खाना खा के चलेंगे। तो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग बनाने आई हूँ। तो ये है मेरी फ्रेंड्स, ये जो मेरे पीजी में रहती थी इसको सब जानते हैं, और वो है इसकी फ्रेंड। हाय बोल दो। हाय। तो मैं आज भी रास्ते में ही व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो बहुत जल्दी में थी। ये लोग मतलब पीजी के नीचे आके मुझे बहुत ज्यादा बुला रहे थे कि आ जाओ करके, तो मैं वहाँ पे शूट नहीं कर पाए, तो रास्ते में जाके आए। तो फिर अभी हम कैफे से निकल ले, मतलब वहाँ पे कुछ खाए। अभी हम जा रहे वो वाला पार्क, ईद के दिन जो गए थे वहीं पे, मतलब ये लोग नहीं गए थे तो वहाँ पे इनको जाना है। पीछे से मुंह देखा था, मतलब किस्मत में नहीं था इसलिए आज जा रही हूँ। हाँ, मतलब उसका व्यू देखा था, बट अभी तक मतलब एंटर नहीं किया, तो अभी हम एंटर करूंगी। हाँ, चोर की तरह। ठीक है, बाय कर दो। हाँ सॉरी, अगर पकड़ के रख दिया तो ना नहीं करेगा। पकड़ के रख दिया मतलब क्या है, जाओ। इतनी लालची है कि रास्ते में जो गिरा हुआ मैंगो था वो भी उठाने लगे। इतना भी इंसल्ट का काम करते हो तो इंसल्ट नहीं करूंगी तो क्या करूँगी। गाइस ये देखो, वही जो सेम प्लेस, बस हमारा ड्रेस अलग है और लोग अलग है। खिल गया मेरा हाथ। इतनी ज्यादा धूप में हम फिर भी घूमने खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वहां पे डेप्थ था, मैं बात करते करते नीचे नहीं देखे तो गिरने वाली थी। अल्लाह, जाओ कुछ नहीं होगा। यहाँ पे लगता है शादी है। कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं, फंक्शन, इसीलिए इतना ज्यादा डेकोरेशन कर रहे थे हम, शायद गलत टाइम पे आ गए। क्या चल क्या रही है? कुछ नहीं, शादी का टाइम, हम भी खाना खा के चलेंगे। कहाँ पे? अच्छा प्लेस है, गलत टाइम पे आ गए। ज्यादा धूप है, हम इवनिंग को आते तो अच्छा लगता। हाँ, तो अभी फोटोज क्लिक करके वापस जाते हैं। अभी ये लोग फोटोज क्लिक कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे बहुत सारे फोटोज ऑलरेडी क्लिक कर रखा है, तो अभी मैं नहीं करने वाली। क्या है ये? तो फोटोज वगैरह हमने क्लिक कर लिया, अभी ये लोग रील्स बनाएंगे, मतलब मैं भी बनाऊंगी। तो चलो बाय बाय। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, और वो लोग थ्रेडिंग करने जाएंगे पार्लर पे। सोच रही हूँ मैं भी करा लूँ, मेरा फर्स्ट टाइम होगा, करवा लू जैसे मत रहे। सच में मैं आज करवाऊंगी। अल्लाह मुझे बचा लेना। तो मैं भी जा रही हूँ इन लोगों के साथ थ्रेडिंग करवाने, फर्स्ट टाइम है मेरा, करवा ले फर्स्ट टाइम ही। मुझे बहुत डर लग रहा है। तो अभी हम ले रहे हैं वाटरमेलन, बहुत ज्यादा धूप से आए तो वाटरमेलन खाने का मन कर रहा है, तो वाटरमेलन ये लेंगे इतना है। सो गाइस अभी हम लोग देख रहे हैं, हम दोनों के लिए, हमें सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते, हम दोनों ब्रेकफास्ट के लिए कुछ चीजें देख रहे हैं। इधर से सोच रहे चोकोस ले ले या फिर कॉर्नफ्लेक्स, क्या ले ले कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओट्स बकेट, कौन सा ठीक है, तुझे क्या चाहिए ले ले, कितना है। हम बकेट लेने वाले, इसका बकेट नहीं है, तू भूलेगी। वो दोनों अभी तक ढूंढ रहे हैं कुछ ले गया या नहीं, तो मैं तो वाटरमेलन ले लिया। तो चलो बिल करके जल्दी से चले जाते हैं। देख ढूंढ, मैं यहाँ पे बिल करती हूँ मेरा। फोन पे नहीं, कैश। सो हम मोड़ से निकल गए, वाटरमेलन, कॉर्नफ्लेक्स और ये ठंडा लिया।
कोरियन गर्ल। हाँ हाँ ये अभी मैं मास्क खरीदने वाली हूँ। अभी मैं इस शॉप पे मास्क खरीदने जा रही हूँ। बहुत दिनों से नहीं गई, मतलब जब से मैं हॉस्टल में रहता तब से मैं यहाँ पे नहीं गई, आज मैं जा रही हूँ। ईशा के रूम पे आ गए, देखो इन लोगों को कैसे बैठ गए। बेचारे सो रहे थे, हम आके डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसके किचन कितने अच्छे से सजाया, देखो बाप पेपर लगी थे। अभी ना बोतलें ऐसी लगी थी इसी है। अभी हम वाटरमेलन खाएंगे, यहाँ पे वाटरमेलन खाने के लिए आए मेनली। सभी हम करेंगे ये वाटरमेलन कटिंग कटिंग कटिंग। हम ईशा की रूम से जा रहे हैं, तो बाय बाय ईशा। बाय 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 बाय। हम अभी जाएंगे थ्रेडिंग के लिए। हम ये ईशा के रूम का कचरा जो हम खाए वही हमको ही फेंक देने के लिए बोल रहे हैं, वही ले जा रहे हैं हम। बाय ईशा, बाय। तो आ गए हम वापस, आज संडे थे तो इसीलिए पार्लर बंद था, तो हमारा थ्रेडिंग हो नहीं पाया। हम जाके वापस आ गए, तो फिर मैं अभी रूम पे आ गई, बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। बाय बाय। हाँ सर, डिनर तो हो गया, तो आप लोगों ने देखा क्या क्या रहा है। आज संडे है, संडे में वो लोग चिकन देते हैं, बट आज कुछ स्पेशल था तो स्पेशल दिया था, बट मैं लेट आई तो मुझे मिली नहीं, वो अलग बात है। तो तभी मैं मॉर्निंग कपड़े वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन के वहाँ पे कपड़े रख के गए थे, बाद में पता चला वॉशिंग मशीन खराब है। कितने सारे कपड़े देखो, अभी मुझे हाथ से वॉश करना पड़ेगा। मैं इतने सारे कपड़े कभी हाथ से वॉश नहीं किया, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ, डर भी लग रहा है और चिंता भी हो रही है कि सब कुछ मैंने बाहर रख के बेडशीट वगैरह सब कुछ। अभी मुझे ये सब सारे हाथ से क्लीन करना पड़ेगा, पता नहीं वॉशिंग मशीन कब तक ठीक होगा। तो आज नाइट हो गई, तो कल शायद करेंगे थोड़ी थोड़ी करके, इतना ज़्यादा अचानक से मुझसे हो गई, तो चलो ये लेके रखें। तो गाइस नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं यहाँ पे आई हूँ आधार कार्ड बनाने के लिए, तो मेरे पास अभी भी आधार कार्ड नहीं है, तो ये लोग बोल रहे हैं आधार कार्ड होंगे तो पैन कार्ड नहीं होगा। तो अभी देखती हूँ क्या होता है, तो मिलते हैं बाद में। अभी देखो इतना सारा कपड़ा मुझे वॉश करना पड़ेगा अपने हाथों से, मैं फर्स्ट टाइम, अल्लाह जिंदगी में पहली बार। मम्मी का समय मेरे लिए बहुत टफ होगा, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है, देख के मैं हैरान हो गई। मैं बाहर से आके फेस वॉश भी नहीं किया, तो सीधा काम पे लग जाती हूँ। अच्छा चलो मैं अभी म्यूजिक लगा के वो कपड़े वॉश करूँगी। बकेट वॉश कर लिया, देखो सारे पीछे मेरे क्लॉथ्स है, स्टिल आई हैव वन मोर बकेट। ओह माय गॉड, आई टुक 4 hours टू वॉश एवरीथिंग, स्टिल आई हैव वन मोर बकेट। आई एम टेकिंग रेस्ट फॉर सम टाइम, आफ्टर दैट आई विल कंटिन्यू। ओके Thank you.
गाइस हो गई मेरी वॉशिंग कंप्लीट, अभी मैं जाके रेस्ट करूँगी तो मैं और दिन में और कुछ नहीं दिखा पाऊँगी। मेरा बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, इतनी सभी एनर्जी नहीं है कि मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँ। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।